नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूँ प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके सामने हम अतारंकित प्रश्नों को लेकर आते हैं, यानी अनस्टार्ट क्वेश्चंस की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो इनका उत्तर है वो संबंधित मंत्रालय के मंत्री लिखित रूप में देते हैं, इसलिए इन प्रश्नों की जानकारी आप तक लाते हैं। और जैसा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मंत्रालय, एक विभाग से जुड़े प्रश्नों को एक अंक में हम समेट कर लेकर आएँ आपके सामने, तो आज हम डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय से जुड़े जो सवाल हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अरविंद जी, जो पहला सवाल है वो है सियाचिन ग्लेशियर में जवानों द्वारा चुनौतियों का सामना करना। और हम जानते हैं कि सियाचिन को लेकर ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के अगर सबसे दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो उनमें से एक सियाचिन है। तो यहाँ जवानों द्वारा क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं उनके, और ये सवाल जो है वो सीएम रमेश जी ने पूछा है, तो इसका उत्तर क्या आया है निकल कर? बिल्कुल प्रीति, जहाँ तक सियाचिन की बात है तो वो दुनिया के सबसे जटिल ऐसा भूभाग है वो सियाचिन, जहाँ रहना अपने आप में किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, जिस तरह से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ का साम्राज्य है, उसके बीच में क्योंकि कौन लोग जाते हैं, जो तमाम मैदानी इलाकों से लोग आ रहे हैं, वो उस तरह के वातावरण में रहने के लिए उनको जो संघर्ष करना पड़ता है वो किसी बड़े से बड़े युद्ध से कोई कम नहीं होता। और इसीलिए उनके लिए ख़ास तौर पर रहने का वातावरण तैयार करना, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, उनको बर्फ़ और ठंड से बचाए रखने के लिए जो है व्यवस्थाएं करना, उनको उनकी कनेक्टिविटी का इशू, ये सब जो है बड़ा जटिल हो जाता है जो है। और लेकिन ये जो है ज़रूरी है, वो ऐसा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट है जहां हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। और हालांकि अगर चाहते, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं वो चाहते, तो ऐसी जगह पर हमें अपने सैनिकों को तैनात न करना पड़ता, लेकिन क्योंकि प्रतिरक्षा की ज़रूरतें इस तरह की हैं कि जिसके नाते बहुत सारे डिबेट भी हो चुके हैं कि सियाचिन में आखिर लोग ये जो सेना क्यों रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी अपरिहार्यताएं हैं जिसके नाते सेना की मौजूदगी ज़रूरी है। और इसमें जो रमेश जी ने जो सवाल पूछा है प्रीति, उसका जो श्रीपाद नाइक जी जो कि राज्य मंत्री हैं रक्षा मंत्रालय में, उन्होंने जवाब ये दिया है कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवानों के सामने बहुत सारी चुनौतियां इस नाते आ रही, क्योंकि ये दुर्गम भूभाग है और कुछ चुनौतियां मौसमी दशाओं के कारण होती हैं, और यहाँ जो है शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत दुर्गम, सूर्य की जो तेज़ रोशनी होती है वहाँ, उसके नाते हिमांधता आ जाती है, और इसके अलावा बर्फीली आंधियाँ चलती हैं वहाँ, वाइट आउट कंडीशन है, और इसके अलावा जो चौकियां हैं, जो अग्रिम चौकियां बनी हुई, उन पर तैनात जो टुकड़ियां हैं उनको जैसे भूस्खलन होता है वैसे हिमस्खलन होता है, जिसमें कई बार जान माल की भी नुकसान हो जाते हैं, हिमस्खलन हो जाते हैं, और जो बर्फ़ से आच्छादित जो सतह हैं, जगह हैं, वहाँ हिम दरारें भी होती हैं, कई बार अचानक जो है दरारों के बीच जवान आ जाते हैं तो उनके प्राणों का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत अधिक ऊँचाई पर जो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो कि मैदानों में हम लोग जिस तरह के जलवायु में रह रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहाँ जैसे हमने कहा प्रीति, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के खतरे और बहुत सारे विषम परिस्थितियों के नाते जो पैदा होते हैं उनका सामना हमारे जवानों को करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए किसी नाते ये पूरा देश आखिर इस तरह की जगहों पर रहने वाले लोगों को सैल्यूट करता है और देखता है कि अगर ये वहाँ काम ना कर रहे हों तो हम लोग जो है कितने मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं उनके नाते। और इसमें दिया है कि बहुत सारे VVIPs जाते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, और यहाँ तक कि जो है रक्षा मंत्री कई बार गए हैं, अभी भी वो लेह लद्दाख के इलाके में हमारे रक्षा मंत्री का दौरा हुआ। तो ये जो दौरे हैं ये लगातार जो है उनका हौसला बढ़ाते हैं। और ये आखिर में जो उन्होंने जवाब दिया, ये कहा कि जो बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर जो टुकड़ियाँ तैनात हैं हमारी, उनको हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। किस चीज़ में? कि उपकरणों में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, जो उनको वस्त्र दिए जाते हैं, राशन दिया जाता है और आवासीय सुविधा दी जाती है, उसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं। और इसमें आखिर में प्रीति एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं सियाचिन ग्लेशियर में जा चुका हूँ, मैंने देखा है ये जैसी ऊँचाई होगी, तो हमने एक सवाल लिया था जिसमें प्रश्नकाल बताया था कि जितनी ऊंचाई होगी उतनी भूख कम लगेगी, तो यहाँ भूख कम लगती है। तो हमारे यहाँ सरकार की कोशिश ये होती है कि उनको अधिक से अधिक आकर्षक, अधिक से अधिक पौष्टिक ऐसा आहार दिया जाए, ऐसी चीज़ें दी जाए, ताकि उनकी
पोषण की ज़रूरतें पूरी हों, तो ये जवाब है। तो प्रीति, जैसा कि मैंने कहा कि सियाचिन में रहना एक युद्ध लड़ने जैसा ही है। और अब अगला जो सवाल है प्रीति, वो सैनिक स्कूलों में आरक्षण प्रणाली को लेकर है, क्योंकि सैनिक स्कूल भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो सेना में नहीं भी जाते हैं वो एक अनुशासित सिपाही की तरह हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आरक्षण प्रणाली लागू करने का कोई विचार है, क्या है जी? प्रश्न छाया वर्मा जी का है कि क्या छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए आरक्षण व्यवस्था में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उनके अनुरूप समान आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये उन्होंने पूछा है। और इसके कारण जो वंचित समुदाय के लोग हैं उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है स्कूलों में, क्या ये सच है? और इन्होंने जो है वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा और साथ ही इससे जुड़ा तीसरा भाग भी पूछा है। इसमें जो उत्तर दिया है वो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। और सैनिक स्कूलों के बारे में जैसा आप भी बता रहे हैं अरविंद जी, कि हम जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक तरह से हम कहें कि डिसिप्लिन है वो काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। और माना भी ये जाता है कि एनडीए की नर्सरी के रूप में भी ये सैनिक स्कूल काम करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में एनडीए में भी सिलेक्शन होता है ऐसे स्कूलों में, ऐसे स्कूल के बच्चों का। तो ज़्यादा लोग चाहते हैं जो सेना से जुड़े हुए हैं वो अपने बच्चों का दाखिला भी चाहते हैं और आम लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर सैनिक स्कूल में पढ़ें तो उनकी भी ऐसी इच्छा होती है। इसका जवाब जो दिया है उन्होंने बताया कि जो सैनिक स्कूल है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ये 1860 के तहत पंजीकृत एक निजी सोसाइटी सैनिक कल्याण शिक्षा सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। ये एक कल्याणकारी उपाय के रूप में जो जवान हैं सैन्य कर्मी हैं और अधिकारी रैंक से नीचे के जो कार्मिक हैं उनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं मुख्य तौर पर। ऐसे विद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित समुदाय के लिए आरक्षण उन पर लागू नहीं होता है इन स्कूलों में। और जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल पूछा है तो यहाँ उन्होंने क्लियर किया है कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में सैनिक कल्याण शिक्षा सोसाइटी द्वारा कोई सैनिक स्कूल ही नहीं चलाया जाता है, इसलिए जो प्रश्न उनका है वो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये यहाँ पर उन्होंने इसका जवाब दिया है सैनिक स्कूलों को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है सशस्त्र बलों में महिलाओं की पृथक भर्ती को लेकर सरदार सुखदेव सिंह ढींसा का सवाल है। जैसे सैनिक स्कूल के बारे में हम बात कर रहे थे अरविंद जी, तो अब सरकार शुरू करने जा रही है कि सैनिक स्कूल में अब छात्राएं भी पढ़ें, लड़कियों का भी दाखिला हो। और यहाँ जो प्रश्न है वो सशस्त्र बलों में महिलाओं की पृथक भर्ती को लेकर है, तो इसका जवाब बताइए क्या मंत्रालय ने दिया है। बिल्कुल प्रीति, ये जो सवाल है ये खासतौर पर बहुत सारा जो इसका एक हिस्सा है वो जेंडर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो सैन्य इतिहास शुरू होता है भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सैन्य इतिहास, तो जितने भी सेनाएं रही हैं आमतौर पर वो पुरुषों के डोमिनेंस वाली रही हैं, और जहां महिलाएं भूमिका में भी रही हैं वो एक तरह से सहायक भूमिका में रही, तो कभी वो जिस तरह, लेकिन जब समय बदला तो दुनिया में बहुत सारे जगहों पर अगर आप देख रहे होंगे तो कई भूमिकाओं में हैं जिसमें कि वो रणभूमि पर भी जाती हैं, वो पुरुषों की तरह ही लड़ती हैं। तो काफ़ी चिंतन मनन यहाँ हुआ, और इसके बाद 1992 में जबकि शरद पवार रक्षा मंत्री थे उस समय ये फैसला हुआ कि कुछ क्षेत्रों को खोला गया जो है उसमें, और ये तय हुआ कि भई क्योंकि हमारा भी जो अगर आप भारतीय सेना को देखेंगे तो हमारे यहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उनमें महिलाएं रही हैं, जो सशस्त्र सेना का जो हमारा जो चिकित्सा का जो पूरा तंत्र है वो महिलाएँ संभाल रही हैं और काफ़ी बड़े पदों पर भी हो रही हैं। लेकिन बाद में जो भर्तियाँ शुरू की गई तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत शुरू की गई। इसमें ढींसा साहब ने जो सवाल पूछा है, सुखदेव सिंह ढींसा जी ने, उन्होंने पूछा है कि क्या कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और जो क्या सरकार जो है जितने भी ब्रांचेज हैं सेना के उनमें सभी में महिलाओं को भर्ती करने का इरादा रखती है। तो इसका जो जवाब दिया है ये भी श्रीपाद नाइक जी ने ही दिया है, रक्षा राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर 10 ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती किया जाता है। इसमें जो चिकित्सा अफसर हैं उनका संवर्ग और जो सैन्य नर्सिंग सेवा इनमें महिलाओं को भर्ती किया जाता है। और फरवरी 2019 में मिलिट्री पुलिस कोर, मिलिट्री पुलिस जिसको बोलते हैं हम, अलग अलग अगर आप कभी कैंटोनमेंट इलाकों में जाएँ या और जगहों पर जाएँ तो वो आपको तैनात मिलते हैं, तो उसमें पहली बार जिसको कहेंगे कि एक फेस्ड मैनर में महिला सोल्जर जो है वो तैनात किए जा रहे हैं, उनको भर्ती करने का फैसला किया गया, लेकिन ये ऑफिसर रैंक के नीचे के हैं। इसके अलावा पिछले सालों का अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसरों को दो शाखाओं में
परमानेंट कमीशन की मंजूरी के लिए विचार किया जाता था पहले, और फरवरी 2019 में सरकार ने 8 और ब्रांचेज में परमानेंट कमीशन की मंजूरी दी है। लेकिन जो बाकी सभी का जो कहा इन्होंने कि क्या सभी शाखाओं में महिलाओं को पात्र बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही, तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इस बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही। ये जो हमने बताए हैं 2 में जो हो रहा है और 8 में जो है और परमानेंट कमीशन की मंजूरी दी गई है, तो ये इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं प्रीति। तो कुल मिलाकर के जिसको कहेंगे कि आने वाले समय में महिलाएं सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखने लगेंगी, कई जगहों पर दिखने लगेंगी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। बिल्कुल, और हमने आज रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल आज के प्रश्नकाल के अंक में समेटे हैं। अगले अंक में एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तमाम और जो ज़रूरी और अहम अतारांगित प्रश्न उन्हें लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।